नमस्कार, खेल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। देखिए, एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक दूसरे को जोड़ती आई है। आज एक ऐसी ही एक स्पोर्ट्स शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो है श्री संत। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम गोइंग टू मेक श्योर आई टेक एवरी ब्रेथ विद अ पर्पस। क्यों कहा जा रहा है श्री संत इज बैक? भारतीय टीम के एक आक्रामक गेंदबाज रह चुके श्री संत, जिनकी जर्नी में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। 37 वर्षीय श्री संत अभी भी कह रहे हैं कि वो लड़ना चाहते हैं, अभी कम बैक करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों श्रीशांत का नाम इतना चर्चा में रहा है? देखिए, 2005 में श्रीशांत ने डेब्यू किया था, उसके बाद 2011 में उन्होंने आखिरी वनडे मैच खेला था अपना। इस बीच के दौरान उनकी जो छवि है एक अग्रेसिव गेंदबाज की रही है। But it has opened the game up again. और कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में वो इन्वॉल्व हुए हैं। इसके बावजूद, हालांकि श्रीशांत ने इन 6 सालों में कुल ओडीआई, टेस्ट मैच और T20 मैचों को मिलाकर 90 मैचेस ही खेले हैं, फिर भी उनका जो इम्पैक्ट है काफी पड़ता है, क्योंकि 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीशांत प्लेइंग 11 में भारतीय टीम के हिस्सा रह चुके हैं। उनके नाम 2 वर्ल्ड कप है और आईपीएल जो है लगातार श्रीशांत खेलते आए हैं। Well, if the umpire don't give a decision to your satisfaction, knock the stumps over. That's as conclusive as anything that a bowler will ever get. Knocking the middle stump out. 2013 में राजस्थान रॉयल की जब वो टीम में थे, तब एक मैच के दौरान उन पर स्पॉट फिक्सिंग के चलते लाइफ बैन करार दिया गया था। ऐसे में लाइफ कुछ समय बाद ही जांच हुई, जांच के बाद कुछ समय बाद जो लाइफ बैन है उनसे हटाकर सजा जो है 7 साल की गई और अब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसे में केरला एसोसिएशन ने उन्हें अब रणजी ट्रॉफी में खेलने की इजाजत दे दी है। डोमेस्टिक क्रिकेट यानी रणजी ट्रॉफी में अब जो कुछ समय में सीजन आने वाला है उसमें वो श्रीशांत हमें खेलते हुए नजर आएंगे। I am really thankful to the association, first of all. Thanks to Sri Chetan and Jay sir, especially Tinu Chetan, who is the coach this year, and all the senior cricketers. I might be old at 37, but last 7 years, all the youngsters have played much more cricket and much more experience than me. So I would love to learn from them and share my experience. So it's a great opportunity for me to learn and share my whatever humble experience I have. So I'm looking forward to this season. And this season is starting with one days and T20, so really looking forward to it and you know make a mark and if possible just keep performing. श्रीशान लगातार जो है practice करते आ रहे हैं, अभी जो next sessions हैं वो fitness को लेकर बहुत ध्यान दे रहे हैं, continue जो है 3-3 घंटे bowling practice कर रहे हैं, nets में लगातार जो है गेंदबाजी करे जा रहे हैं। देखिए, इन 7 सालों में जो है श्रीशांत ने क्या किया, क्यों इनकी जो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स हम कहते हैं, क्योंकि इस बीच इन्होंने कई रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया, झलक दिखला जा, बिग बॉस जैसे नामी शो और फियर फैक्टर में भी वो नजर आए। तो ऐसे में श्रीशांत को बचपन से एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक था, तो इन्होंने इन सालों में ये चीजें की और अब जो है क्योंकि उन पे लाइफ बैन था, अब जो है क्लीन चिट दे दी गई है, वो क्रिकेट फील्ड पे वापस आ सकते हैं, उसकी परमिशन मिल गई है, तो अब वो क्रिकेट को जो है पूरा समय उसमें बिताना चाहते हैं। इस खिलाड़ी के जज्बे को देखकर हम एक प्रेरणा ले सकते हैं कि 37 साल की उम्र में जहां सभी अधिकतर खिलाड़ी जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और अब वह खेलना चाहते हैं, एक जज्बा है उनके अंदर खेलने का। और श्रीशांत ने अभी हाल में कहा कि मैं हमेशा खुद को ये कहता आया हूँ कि मैं आईपीएल दोबारा जरूर खेलूंगा। And Srishant does the job for his captain, brought back into the attack, gets the dangerous AD. और एक बड़ी बात उन्होंने ये और कही कि मैं 2023 विश्व कप जो है वो खेलना चाहता हूँ।
तो जो ये तो वक्त ही बताएगा विश्व कप या फिर आईपीएल, क्या श्रीशांत दोबारा जो है खेल पाएंगे, क्या हम उन्हें दोबारा क्रिकेटिंग फील्ड इंटरनेशनल टीम में देख पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, हमें इस खिलाड़ी से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, मोटिवेशन जो है इसे कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए समाचार सेवा। लेटेस्ट ताजा खबरों के साथ आप जुड़े रहिए समाचार सेवा के साथ और देखते रहिए समाचार सेवा।